हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टर फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, काफी लोगों ने यार मुझसे ये सवाल पूछा कि सर, हमें डिटेलिंग करने में भी ना बड़ी दिक्कत होती है, डिटेलिंग करने में हम लोग उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते, और जो कंपनी से हमें सेट ऑफ स्टोरी रटी रटाई मिलती है या जो स्टोरी हमें कंपनी से प्रेजेंट आती है, कई बार यार हम उसको नहीं रट पाते हैं, है ना। तो हमारे लिए क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिससे हमारी डिटेलिंग हो जाए बहुत आसान, या हम जो डॉक्टर को पॉइंट्स हमें मैक्सिमम क्लियर करने हो डिटेलिंग स्टोरी के अंदर, क्या हम कुछ ऐसे पॉइंट्स अपनी तरफ से बना सकते हैं कि जो डॉक्टर के चैम्बर में हम लोग प्रेजेंट कर सकें। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आपकी कंपनी ने जो भी आपको डिटेलिंग स्टोरी बना के दी है, जो भी आपको मार्केटिंग स्टोरी बना के दी है, कोशिश तो हमें यही करनी चाहिए दोस्तों कि हम वही स्टोरी को अच्छे से लर्न करें, अच्छे से मगअप कर लें, और उसी वे में और उसी तरीके से डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करें। देखिए दोस्तों, बिकॉज जो कंपनी इतनी ऊपर बैठी है ना, उन लोगों ने यार बड़ा दिमाग लगा के बड़े अपनी इनपुट्स लगा के, अपनी रिसर्च करके वो डिटेलिंग स्टोरी तैयार की, वो मार्केटिंग स्टोरी तैयार की है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि उस प्रोडक्ट को कैसे डॉक्टर के चैम्बर में बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना है। और यार देखिए, डिटेलिंग स्टोरी यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाना है उस केस में, और आपको अपने डॉक्टर से अगर रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, तो काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डिटेलिंग स्टोरी बनाई जाती है, और बहुत यार दिमाग लगता है इन चीजों में, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है डिटेलिंग स्टोरी डिजाइन करने में, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बनाने में। तो मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो आप लोगों से कि यार स्टिक रहें, जो भी आपको कंपनी ने आपकी मार्केटिंग स्टोरी दी है, प्रेजेंटेशन स्टोरी दी है, आप उसी को याद करें, उसी तरीके से डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करें। बट अगर आप वो सब करने में असमर्थ हैं, आपको लग रहा है कि यार वो बहुत ज्यादा है मेरे लेवल से, या मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं डिटेलिंग को आसान करने के 5-step formula। आपने सिर्फ अगर ये 5-step formula भी लर्न कर ली ना, तो आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की किसी भी कंपनी के वेबसाइट की डिटेलिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें यार दोस्तों, ताकि मुझे भी ना मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेलिंग स्टोरी के 5-step formula। तो उसके लिए यार सबसे पहले मैंने अपना विजुलेट कंपनी का लेके आया हूँ। जो लोग भी मेरी कंपनी को पहली बार देख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरी कंपनी का विजुलेट दिखता है, जिसमें कि सबसे पहले जो मेरी टैगलाइन है, योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, सबसे पहले इसमें टैगलाइन लिखी है, दैट इज फोकस मेडिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम है, है ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा यार कि डॉक्टर के चैम्बर में जब हम एंटर करते हैं, तो कैसे हमें डिटेलिंग को करना है, और कैसे हम डिटेलिंग को अपने लिए आसान बना सकते हैं, ठीक है। बट मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इस तरीके को इम्प्लीमेंट करने से पहले यार जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, एक बार आप अपने एबीएम, आरबीएम, है ना, जो भी आपके बॉसेस लोग हैं, उनसे एक बार जरूर कंसल्ट करें डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि यार आप ये कर रहे हैं इस तरीके से डिटेलिंग, और वो आपसे एंग्री हो जाए या अनहैप्पी हो जाए। बिकॉज देखिए, हर किसी का एक पर्पज है डॉक्टर के चैम्बर में जाने का, वो पर्पज डिफीट नहीं होना चाहिए, है ना। हमने अपनी आसान तरीके अपनाने के चक्कर में कंपनी नुकसान ना हम लोग करें, राइट दोस्तों। तो शुरू करते हैं यार, मैं आपको डिटेलिंग करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, तो सबसे पहले जो भी टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना, आप उसको ग्रीट करते हैं, है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि गुड मॉर्निंग सर, माय सेल्फ सौरभ राजपूत, आई एम रिगार्ड्स फ्रॉम फोकस मेडिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड, है ना। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट फ्यू ऑफ द जेम्स फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ फोकस फार्मा। तो देखिए, जो सबसे पहले मैंने अपना प्रोडक्ट खोला, ये मैंने अपनी ओपनिंग लाइन बता दी, अपना इंट्रोडक्शन बता दिया, है ना। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट डिटेलिंग की। तो दो चीजों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे हाथ में ये पॉइंटर लिया हुआ है। अगर आपके पास पॉइंटर है तो अच्छी बात है, है ना। और अगर आपके पास पॉइंटर नहीं है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, मैं फिर भी आपको पॉइंटर से डिटेलिंग करके बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोडक्ट की ना ओपनिंग लाइन होती है, ओपनिंग लाइन कौन सी है, विनिंग एंटीबायोटिक फॉर टॉन्सिलाइटिस, ये है आपकी ओपनिंग लाइन, जो आपके डॉक्टर को चैम्बर में आपने बोलनी ही बोलनी है। दूसरा आपका आता है प्रोडक्ट का नाम, जैसे कि इसमें लिखा हुआ एजीफॉक, तो ये हो गया ब्रांड नेम, जो आपको डॉक्टर के चैम्बर में बोलना ही बोलना है। तीसरा आता है उसके अंदर सॉल्ट, उसका इंग्रेडिएंट, है ना, जैसे एजीफॉक कंटेन एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपने डॉक्टर के चैम्बर में बोलना ही बोलना है, जो आपका उसका इंग्रेडिएंट है। चौथा नंबर पे आपने ध्यान रखना है कि कुछ अगर उसकी यूएसपी है या कुछ इंडिकेशंस लिखे हैं, तो आपने वो डॉक्टर के चैम्बर में बोलने हैं। और पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट आता है प्रोडक्ट की क्लोजिंग लाइन, और क्लोजिंग लाइन भी विद डिमांड। तो किसी भी आप कंपनी के विजिलेट को उठाएंगे तो यही 5 पॉइंट मिलेंगे। मैं अगर आपको अपना अगला प्रोडक्ट दिखाऊं, है ना, जो मेरा सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो है CMK2। अगर आप इसमें भी देखें तो इसकी एक ओपनिंग लाइन लिखी हुई है दोस्तों, फिर ब्रांड नेम लिखा हुआ है, फिर सॉल्ट नेम लिखा है, फिर उसकी कुछ यूएसपी लिखी है, और यह इंडिकेशंस लिखी है, और लास्ट में लिखी हुई है क्लोजिंग लाइन। तो हमें जो अपनी डिटेलिंग करनी है, यही 5-step formula को ध्यान में रखकर करनी। मैं आपको दो प्रोडक्ट की डिटेलिंग करके दिखाता हूं।
है ना, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि सर गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ सौरभ राजपूत पेइंग यू रिगार्ड फ्रॉम फोकस मेडिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू फ्यू ऑफ द जेम्स फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ फोकस फार्मा। तो सबसे पहले आपने बोले डॉक्टर है विनिंग एंटीबायोटिक फॉर टॉन्सिलाइटिस, रिक्वेस्टिंग यू फॉर एजीफॉक टैबलेट, एजीफॉक टैबलेट कंटेन एजिथ्रोमाइसिन 500 mg है ना। अब एजिथ्रोमाइसिन इज इंडिकेटेड इन टॉन्सिलाइटिस, अपर आरटीआई, टॉन्सिलाइटिस एंड साइनसाइटिस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। डॉक्टर एजीफॉक इज अ सेफ एंटीबायोटिक, तो डॉक्टर कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ एजीफॉक मे आई लुक फॉरवर्ड योर वैल्यूएबल प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट फॉर एजीफॉक टैबलेट। आपने यहां पे रख करके रुक जाए, देखिए दोस्तों इस तरीके से अगर आपने, जैसे मैंने आपको ये बताया कि 5-step फॉर्मूला भी अगर आप डिटेलिंग में लगा लेते ना तो आपकी डिटेलिंग इतनी इजी हो जाएगी आपके लिए और इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए। एक दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको और करके दिखा देता हूं, है ना, जो मैंने बताया कि जो मेरा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, यहां से आपने इस प्रोडक्ट को इस तरीके से खोलना है ना। विजुलेट का देखो आपने दो चीजों का ध्यान दे, तो विजुलेट आपने ऐसे कंधे से लगा के रखा है या आपने इस तरीके से आगे से पकड़ना है। डॉक्टर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिरेकुलस कॉम्बिनेशन दैट इज CMK2 टैबलेट। CMK2 इज कंटेनिंग CCM अलॉन्ग विटामिन D3, मिथाइल कोबालामिन, मैग्नीशियम एंड जिंक। डॉक्टर CMK2 इज इंडिकेटेड इन पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, सेराइल जेंटिलिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑर्थोआर्थराइटिस। डॉक्टर कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ CMK2 मे लुक फॉरवर्ड इन वैल्यूएबल प्रिस्क्रिप्शन फॉर CMK2 द बेस्ट कैल्शियम सप्लीमेंट फ्रॉम वेज सोर्स। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग कर सकते हैं, जो मैंने 5-step फॉर्मूला बताया है ना। सबसे पहले आपकी ओपनिंग लाइन, प्रोडक्ट का नाम, कंपोजिशन, उसके बाद उसके कुछ इंडिकेशन एंड लास्ट में क्लोजिंग लाइन। कुछ चीजों को हमने ध्यान रखना दोस्तों, जैसे मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंटर है, पॉइंटर को या कभी भी ना हमने उसको पॉइंटर को कभी भी ऐसे डॉक्टर को नहीं पढ़ाना है ना। पॉइंटर अगर आपको यूज भी करना है तो आपने पॉइंट बाय पॉइंट यूज करना है। जैसे ओपनिंग लाइन आपने बोल दी, देन अपने ब्रांड का नेम, देन अपने सॉल्ट का नेम, कुछ इंडिकेशन जहां पे आप बात कर रहे हो वहां पे आपने बोलना है, देन लास्ट में क्लोजिंग लाइन। और क्लोजिंग लाइन भी हमेशा डिमांड के साथ रखनी है डॉक्टर को, कि आपने उसको डिमांड करनी है प्रिस्क्रिप्शन की। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी डिटेलिंग को थोड़ा इजी बना सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बोला है कि 5-step फॉर्मूला ना मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए है कि जो लोग बिल्कुल डिटेलिंग करने में सक्षम नहीं है, जो डिटेलिंग याद नहीं कर पाते, कम से कम इतना तो प्रेजेंटेशन वो डॉक्टर के चैम्बर में कर ही दे। बट फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, जो आपको कंपनी ने प्रेजेंटेशन दी है ना, जो आपको डिटेलिंग स्टोर दी है, आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले मुझे वही याद मैं करूं और वही उस तरीके से मैं डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करूं, राइट दोस्तों। तो बिफोर यू नो क्लोजिंग दिस वीडियो अगेन, यहाँ पे सब लोगों से, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और प्लीज यार जो भी आपके थॉट्स हैं या जो भी इस वीडियो के प्रति आपके कमेंट्स, आपके विचार है, वो जरूर यार मेरे को शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों इससे क्या सीखें, राइट दोस्तों। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑफकोर्स हैव अ गुड डे।